दोस्तों हम आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखेगा। बड़ी खबर यह है कि जो देश अभी तक अपने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स चाइना को सौंपा करते थे, अब वो चाइना को छोड़कर के भारत को सभी मेगा प्रोजेक्ट सौंपना शुरू कर चुके हैं। ऐसा इसलिए कि भारत हर एक टेक्नोलॉजी में समय के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आज एक ऐसी ही बड़ी खबर सामने निकल के आई है ऑस्ट्रेलिया से, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के लिए हाई क्वालिटी के पाइप की सप्लाई अब भारत से की जाएगी। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भारत टॉप 5 पाइप सप्लायर की लिस्ट में शामिल नहीं है, इसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया ने भारत से इसकी डिमांड की है। तो आइए इस वीडियो में इस पूरी डेवलपमेंट को समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों बड़ी खबर यह है कि भारतीय कंपनी एलएनटी को ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कुछ स्पेशल टाइप के पाइप्स को मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करने का ऑर्डर सौंपा गया है। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भारत को ऐसे दौर में कॉन्ट्रैक्ट सौंपा गया है जहां पर आज भारत टॉप 5 या टॉप 6 की कैटेगरी में शामिल नहीं है, क्योंकि नंबर 1 इन पाइप को एक्सपोर्ट करने के मामले में इटली है, जो करीब एक साल में $1.34 बिलियन के पाइप एक्सपोर्ट करता है। इसके बाद चाइना, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट और कई देश शामिल हैं। बट इसके बावजूद भारत से इन पाइप्स की डिमांड रखी गई है, जहां पर भारतीय कंपनी एलएनटी ने 2 ऑस्ट्रेलियन कंपनीज के साथ में जॉइंट वेंचर फाइनलाइज किया है, जिसकी मदद से एडवांस क्वालिटी के पाइप्स को मैन्युफैक्चर करने का काम भारत के अंदर शुरू किया जाएगा। इन पाइप का इस्तेमाल करते हुए पॉटबैन केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स को एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स को एक्सपोर्ट करने के बाद इन्हीं पाइप का इस्तेमाल डीजल एंड पेट्रोल को भी एक्सपोर्ट करने में किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में करीब 20 किलोमीटर के डिस्टेंस में इन पाइप को इंस्टॉल किया जाएगा। ये पाइप इतने ज्यादा एडवांस क्वालिटी के होते हैं, यहाँ तक कि इनके जो इंस्टॉलेशन सिस्टम है वो भी बहुत ज्यादा एडवांस होते हैं। ये हर तरीके के वेदर कंडीशन को झेल सकते हैं, इसके अलावा जो भी नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनको भी आसानी से मैनेज कर लेते हैं। आमतौर पर इन पाइप्स को पाइप रैक मॉड्यूल्स के नाम से जाना जाता है, जिनके अंदर तेल, गैस, केमिकल्स और तरह तरह के लिक्विड एंड सेंसिटिव चीजों का एक्सपोर्ट किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भारत को सौंपा गया इस कॉन्ट्रैक्ट में 25 महीनों के भीतर करीब 1160 मेट्रिक टन के इन पाइप्स को मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करना है, जिनका कॉन्ट्रैक्ट 1000 से लेकर के 2500 करोड़ के बीच का है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी सप्लाई और ज्यादा बढ़ने वाली है। करीब 50,000 मेट्रिक टन इन मॉड्यूल्स की सप्लाई भारत ऑस्ट्रेलिया को करेगा और इनकी जो टोटल सप्लाई है वो 32 महीनों के अंदर की जानी है। इन मॉड्यूल्स को एलएनटी अपने कट्टुपल्ली मॉड्यूलर फैब्रिकेशन यूनिट में मैन्युफैक्चर करेगी और यहीं से वो सीधे ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट करने वाली है। आपको बता दें एलएनटी के पास करीब 93 सब्सिडियरी कंपनीज हैं। इसके अलावा एलएनटी आज दुनिया के 50 से भी ज्यादा देशों में अपने बड़े प्रोजेक्ट्स ऑपरेट करती है। कंपनी को 2023 और 24 में करीब 10 ट्रिलियन इंडियन रुपीज के कॉन्ट्रैक्ट सौंपे गए थे। 2022 में कंपनी को 57 इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट सौंपे गए हैं। आज कंपनी बहुत ही स्पेशलाइज कैटेगरीज में काम करती है। एलएनटी कंस्ट्रक्शन, एलएनटी ईबीजी, एलएनटी हाइड्रोकार्बन, एलएनटी पावर, एलएनटी मिनरल्स, एलएनटी हैवी इंजीनियरिंग और कई मल्टीपल सब्सिडियरीज कंपनी के साथ में कंपनी दुनिया भर के अंदर अपने प्रोजेक्ट्स ऑपरेट करती है। यहां तक कि यूएई और सऊदी जैसे देशों की एलएनटी पहली पसंद है। इनके बड़े पावर प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने का काम आज एलएनटी ही संभालती है और लगातार ये भारतीय कंपनी दुनिया भर में बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया कि आज भारत टॉप 5 की लिस्ट में शामिल नहीं है, इसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को भारत से ही ये पाइप एक्सपोर्ट कराने हैं। और लगातार भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस बढ़ते चले जा रहे हैं। रिसेंटली आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत के लिए 5 माइंस रिजर्व कर ली है, जिसमें से 2 लिथियम और 3 कोबाल्ट की माइन है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि भारत किसी भी वक्त आकर के इन माइंस पर अपनी कंपनियों के जरिए प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है, क्योंकि मौजूदा वक्त में 53 से लेकर के 55% जो लिथियम की सप्लाई है वो आज ऑस्ट्रेलिया के हाथ में है। इसके बावजूद भी जो टॉप एक्सपोर्टर कंट्री है वो चाइना है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े माइंस पर चाइना का कब्जा है और नए नए डिस्कवर हुए माइंस पर अब ऑस्ट्रेलिया दूसरे देशों को भी हिस्सेदारी सौंपना शुरू कर चुका है। बाकी भारतीय कंपनी एलएनटी के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।